हेलो सिक्स क्लास आई होप यू ऑल आर गुड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर एट फॉर मैग्नीफाइड बुक ऑफ साइंस चैप्टर नंबर एट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव लिविंग होता है जीवित ऑर्गेनिज्म होता है जीव और सराउंडिंग होता है आसपास सो so, आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम क्या होते हैं और उनके आगे पीछे क्या होता है तो इस चैप्टर को आज हम रीड करते हैं लेट्स स्टार्ट मैनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग बहुत सी चीज़ें जो भी हम अपने आगे पीछे देखते हैं वो या तो लिविंग थिंग होती है या वो नॉन लिविंग होती है ऑब्जेक्ट लाइक चेयर टेबल कार रॉक बकेट आर नॉन लिविंग चेयर कार टेबल ये क्या है नॉन लिविंग है ऑल द एनिमल्स एंड प्लाट्स दैट यू सी अराउंड यू आर लिविंग एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन ये सारे क्या है लिविंग है ऑन अर्थ लाइफ एग्जिस्ट अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है द अर्थ इज द होम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ सभी तरह की जीवों का घर है दिस इज आल्सो द रीज़न टू से दैट अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट यह भी एक रीज़न है जिससे हम कहते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है क्योंकि सेवन प्लैनेट्स में से एक ओनली अर्थ है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है इसलिए वो यूनिक प्लैनेट होता है सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ करैक्ट्रस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो फर्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग थिंग्स दैट मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कोल्ड सेल हर एक लिविंग थिंग्स जो होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बने होते हैं छोटे छोटे सेल से बने होते हैं अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की जैसे कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स हैं जिसके अंदर वन सेल हो गए जैसे कि बैक्टीरिया यीस्ट एमीबा ये सब एक सेल होते हैं इनके अंदर एक सेल होता है इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं मिलियन्स ऑफ सेल्स होते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम कहते हैं ठीक है मिलियंस ऑफ सेल होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ओनली वन सेल होते हैं उसे हम सेलुलर ऑर्गेनिजम कहते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम में क्या एग्जाम्पल है मैंगो प्लांट मैन फ्लाई डॉग कैट रैट पी पी प्लांट एंड रोज प्लांट ये सब है जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है ठीक है आगे सेकंड है लिविंग थिंग्स ग्रो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं उनमें हम भी आते हैं ह्यूमन्स आते हैं प्लांट्स आते हैं एनिमल्स आते हैं एनिमल ग्रो होते हैं जब वे छोटे होते हैं तब से वो ग्रो होना शुरू करते हैं और एक उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं जबकि जो पौधे होते हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं तो ये है लाइफ साइकिल जिसमें हम ग्रो करते रहते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता रहता है थर्ड नंबर है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत होती है पानी की जरूरत होती है तो फूड तो बहुत ज़रूरी होता है एक नेसेसिटी है प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं एनिमल फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल जो एनिमल होते हैं वो दूसरे पौधों को खाते हैं या दूसरे जंगली जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं दे कार्ड दे आर कव हीट्रोट्रोप्स तो जो प्लांट्स अपने आप अप खाना बनाते हैं इसलिए उन्हें ओटोट्रोप्स कहा जाता है जो एनिमल्स दूसरों को फीड करके खाते हैं दूसरों प्लांट से फीड करके खाते हैं उन्हें हम हीट्रोट्रोप्स कहते हैं तो प्लांट्स हमारे ओटोट्रोप्स होते हैं एनिमल्स हमारे हिटरोट्रोप्स होते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होता है ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स सभी जो जीव जंतु होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं वो वेस्ट जरूर प्रोड्यूस करते हैं द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोड्यूस आर रिमूव फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन जिस प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से या हमारे uh, बॉडी से रिमूव होता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं एनिमल्स भी वेट वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से उसी को एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं जैसे कि ह्यूमंस होते हैं वो कुछ भी खाते हैं तो किडनी हमारा वो खाना डाइजेस्ट करती है और फिर वो उसके बाद एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से ठीक है जो भी वेस्ट हमारी बॉडी का होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है उसे हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन नंबर फाइव है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है ब्रीथ करने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं मोस्ट लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन टू लिव सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है जीने के लिए ह्यूमन बींग्स एंड अदर लैंड डेवलर एनिमल्स ब्रीथ इन एयर सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रेस्पिरेशन फिश एंड मोस्ट अदर एनिमल्स डेट लिव इन वाटर टेक इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर जो फिश और दूसरे जंग जानवर जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हुई होती है उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथ करते हैं टर्टन लिव इन वाटर बट दे ब्रीथ इन एयर लाइक लैंड एनिमल्स जो टर्टल होता है वो पानी में रहता है बट वो जो ब्रीथ करता है वो लैंड पर आकर करता है जैसे कि दूसरे लैंड एनिमल्स ब्रीथ करते हैं नंबर सिक्स इज़ रिप्रोडक्शन ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वन्स लाइक दम सन सभी तरह के प्लांट्स एनिमल और दूसरे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं यंग यंगवन्स को अपने ही तरह उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस में बर्थ देते हैं हम यंग वंस को अपनी ही तरह के अपने ही काइंड के उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन मैनी काइंड ऑफ एनिमल ले एग्स फ्रॉम विच दे यंग वंस हैच आउट काफ़ी एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं मतलब अंडे देते हैं और वो अंडा हैच करता है टूटता है और उसमें से उनके यंग वंस आते हैं बेबी आते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्थ देते हैं जो बर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं मैमल्स जो अपने बेबी को बर्थ देते हैं जैसे ह्यूमंस होते हैं और कुछ एनिमल्स भी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैमल्स प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स भी अपनी तरह ही अपने काइंड के प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स से फ्लावरिंग प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करता है वो सीड्स एक न्यू प्लांट्स को राइज करने में बड़ा करने में हेल्प करते हैं सीडलिंग ग्रो इंटू अल्दी प्लांट जो सीडलिंग होती है वो बीज होते हैं वो एक अच्छे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं इफ़ इट इज़ गेट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर अगर उन्हें अच्छे अमाउंट में पानी मिले सनलाइट मिले अच्छी सॉइल मिले ऑल प्लांट्स यू नोट प्रोड्यूस फ्लावर सभी प्लांट्स फ्लावर नहीं देते अनलाइक गाइनो ऑल अदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्स, जो प्लांट्स फ्लावर नहीं देते वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से दे डो नॉट प्रोड्यूस सीड्स क्योंकि वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते इसलिए वो स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं अपने ही तरह के प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है फर्ंस मोसिस एंड लीवर वर्क तो ये तीन एग्जाम्पल है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है मतलब जिन प्लांट्स में फूल नहीं लगते वो कौन कौन से हैं फर्न, मोसिस एंड लीवर वर्कस नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल नंबर सेवन इज लाइफ साइकिल ईच ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न ग्रो इन टू अलर्ट एंड देन ग्रो ओल्ड एंड देन डाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है बड़ा होता है फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है ये प्रोसेस जो है वो किस क्या कहलाती है लाइफ साइकिल ये हर एक के साथ होता है जन्म लेता है बड़ा होता है बूढ़ा होता है और मर जाता है तो इस सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लाइफ साइकिल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी लाइफ स्पैन होती है उनकी लाइफ कितनी होगी ये उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तो बैक्टीरिया की लाइफ कितनी होती है ट्वेंटी मिनट्स यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की ट्वेंटी मिनट्स होती है हाउस फ्लाई एक से चार महीने चलती है माउस दो से तीन साल स्क्वायरल आठ से नौ साल डॉग सोलह से अठारह साल लायन ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव ईयर हॉर्स ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ऑस्ट्रीज फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स एलिफेंट सेवेंटी टू नाइन्टी ईयर्स ह्यूमन बींग एटी टू हंड्रेड ईयर्स टोटोस वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी ईयर्स तो ये सब ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैम है वो कितनी उम्र तक जी सकते हैं आगे हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्स टू स्टेमुलाई अ चेंज इन द इमीजिएट इमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस अ चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेमुलस जैसे ही आपके एनवायरमेंट में चेंज होगा जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एन्वायरमेंट में चेंज होगा वैसे ही वो अपनी एक्टिविटी चेंज करेगा उसी को हम स्टिमुलस कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू आ स्टिमुलस इज़ कॉल्ड अ रिस्पॉन्स जैसे ही वो किसी एक्टिविटी पर इन्वायरमेंट चेंज होगा और वो एक्टिविटी करेगा उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आप यहाँ पे मिसमोसा मिमोसा प्लांट है जिसके लीव्स को आप टच करोगे तो वो एकदम अपने लीव्स को कर्ल कर लेगा अपने पत्तों को बैंड कर लेगा तो वो एकदम रिस्पॉन्स करता है वैसे ही अगर आपको किसी अचानक कोई पिन चुप जाए तो आप अपने हाथ को अपनी ओर खींचोगे तो वो भी हमारा क्या है रिस्पॉन्स है अपने हैंड को अपनी ओर खींच लेना और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दिखाते हैं जैसे कि अगर कोई उनको टेम्परेचर लगे टच करे लाइट लगे साउंड लगे किसी चीज़ की तो वो एकदम रिस्पॉन्स जरूर दिखाते हैं तो रिस्पॉन्स को ही हम क्या कहते हैं स्टीमलाइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कॉकरोच एंड अर्थवम मूव अवे फ्राम दी लाइट जो कॉकरोच होते हैं और अर्थवम होते हैं वो लाइट से दूर रहते हैं तो वो अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं मॉस्किटो फ्लाई टूआर लाइट मच्छर लाइट की ओर उड़ते हैं इन अ प्लांट द टिप ऑफ इट स्टेम बैंड टू आर द डरेक्शन फ्राम विच द लाइट इज कमिंग जो एक प्लांट होता है उसकी स्टेम लाइट की तरफ बैंड करती है स्टेम की जो टिप होती है वो लाइट की डायरेक्शन में अपने आप को बेंड कर लेती है लाइट की डायरेक्शन में अपने आप को बेंड कर लेती है कौन स्टेम लेते हैं रूट्स है टेडेंसी टू ग्रो टुवार्ड अर्थ और रूट्स की जो टेंडेंसी है वो अर्थ के अंदर होती है आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइन मूवमेंट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड प्लांट्स जो है वो अपने फूड खुद बनाते हैं बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हैज़ इट सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना ढूंढने के लिए अपना घर ढूंढने के लिए जाते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम शो मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट दिखाते हैं बट जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते खाना ढूँढने के लिए घर ढूँढने के लिए हाउ एवर दे एग्जिबिट और मूवमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट बट उनके कुछ पार्ट होते हैं वो मूवमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मीमोसा प्लांट कर लव वेन टचड जब हम मिमोसा प्लांट को टच करते हैं वो अपने लीव्स को बैंड कर लेते हैं और जो सनफ्लावर होता है वो अपना फेस सूर सूरज की रोशनी से टर्न कर लेता है जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है सनफ्लावर अपना फेस उससे टर्न कर लेते हैं दूसरी तरफ कर लेता है सब नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव टू कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी मूव करती है जैसे कि गैसीस बट दे डू नॉट हैव अदर करैक्टरिस्टिक्स वीच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स बट उनके अंदर और कोई भी ऐसे फंक्शन नहीं होते जो एक लिविंग ऑर थिंग्स में होने चाहिए तो मूवमेंट एक लिविंग थिंग्स का पार्ट है सो so आज हम इस चैप्टर में क्या टॉपिक कवर किया है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम जिसमें नाइन टॉपिक्स थे आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू हैव अ नाइस डे